हर हर महादेव दोस्तों, आपका संजू ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं इस टाइम केदारनाथ यात्रा में हूँ। मुझे 7 से 8 दिन हो चुके हैं केदारनाथ यात्रा पर। जब से केदारनाथ यात्रा शुरू हुई है, मैं केदारनाथ यात्रा पर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि केदारनाथ यात्रा 2 दिन से लगातार बंद है, क्योंकि केदारनाथ घाटी में बहुत ज़्यादा भारी बारिश पड़ रही थी, जिसकी वजह से केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए बंद कर दी गई थी। जो सबसे बड़ा कारण था यात्रा बंद करने का, वो था एक तो आपका सबसे ज़्यादा बारिश पड़ रही थी, और फिर आपका सोनप्रयाग, गौरीकुंड और जो पैदल मार्ग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति बेकार थी। ऊपर से बहुत मोटे मोटे पत्थर आ रहे थे, जिसकी वजह से यात्रा 2 दिन बंद करनी पड़ी है। दोस्तों, आज है आपका 4 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 4 सितंबर है आज, और यात्रा कंटिन्यू चालू कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, सोनप्रयाग से यात्रियों को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आज यात्रा छोड़ दी गई है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों। लेकिन केदारनाथ में इस टाइम मौसम कैसा है और यात्री कैसे आ रहे हैं, और यह टाइम जितनी भी आपको हम डिटेल है वो आप देने वाले हैं। जो यात्री आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है दोस्तों, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में कोई भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ये इस टाइम स्थिति ऐसी बताई जा रही है। दोस्तों देख सकते हैं, ये 10 बज रहे हैं इस टाइम, और देख सकते हैं चारों ओर मौसम कैसा। दोस्तों पूरा चारों ओर मौसम पैक है इस टाइम, देख सकते हैं पूरा पैक है इस टाइम मौसम। ये हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है लगातार। दोस्तों देख सकते हैं, मौसम फिर बेकार शुरू होने हो चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मौसम बेकार होना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं चारों तरफ से बादल आने शुरू हो चुके हैं। 2 दिन से लगातार बारिश पड़ रही थी, कल थोड़ी बहुत धूप निकली थी, लेकिन आज 4 सितंबर को हमने सोचा था कि जैसे नीचे से यात्रा छोड़ी गई है तो मौसम भी आज पूरा ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुबह से ही बादल बनने शुरू हो चुके हैं, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में बारिश शुरू हो जाए। अगर बारिश होती है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि जो यात्री इस टाइम पैदल ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रैक है ना बहुत ज़्यादा बेकार हैं, और जो उनकी जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों पर से थोड़ी बारिश होते ही मोटे मोटे पत्थर आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए यात्रियों को बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। अगर आप आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं और आपका प्लान है कि यात्रा करें, तो आप कुछ दिन रुकिए। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ दिन रुकिए, हो सकता है कि आप 10 तारीख के बाद में, 10 सितंबर के बाद में अपनी केदारनाथ यात्रा कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि 10 सितंबर के बाद में बारिश बंद हो जाएंगी, मौसम बिल्कुल साफ दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस टाइम पे आते हैं 4 सितंबर, 5, 6, 7 के समथिंग, तो लगातार भारी बारिश बताई गई है, और भारी बारिश के कारण कुछ भी हो सकता है केदारनाथ यात्रा पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, जब बादल फटा था 31 जुलाई के समथिंग में बादल फटा था दोस्तों, तो उस टाइम 5-6 दिन पहले लगातार भारी बारिश पड़ी थी, जिसके कारण बादल बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गए थे, बादल फट गया था। जी हाँ दोस्तों, बादल फट गया था। देख सकते हैं आप, ये सामने चोरावारी लेक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया यही है। जी हाँ दोस्तों, चोरावारी लेक सबसे खतरनाक एरिया यही है, और वहीं से ही सबसे ज़्यादा पानी नीचे के लिए आ रहा है दोस्तों। और देख सकते हैं फिर से मौसम चारों तरफ से पैक हो चुका है, और यात्री भी लगातार आ रहे हैं दोस्तों। यात्री वो आ रहे हैं जो हेलीकॉप्टर सर्विस से आए हैं, और कल 10-11 बजे के बाद में कुछ यात्री छोड़े गए थे मंदिर के लिए, तो वो यात्री हैं दोस्तों, ज़्यादा यात्री नहीं है। और देख सकते हैं हेलीकॉप्टर सर्विस आपकी चल रही है कंटिन्यू। देखा दोस्तों, कंटिन्यू सर्विस चल रही है, लेकिन अभी माइक पर बार बार आवाज़ लगाई जा रही है कि जो यात्री हेलीकॉप्टर सर्विस से आए हैं वो जल्दी से जल्दी दर्शन करके नीचे चले जाएं, क्योंकि कुछ देर बाद मौसम बिल्कुल बेकार होने वाला, पैक होने वाला, क्योंकि स्थिति इस टाइम बहुत ज़्यादा बेकार है। 2 दिन से बहुत ज़बरदस्त बारिश पड़ी है, कल बस बारिश नहीं पड़ी थी लेकिन रात बारिश पड़ी, दिन में बारिश नहीं पड़ी थी लेकिन रात को बहुत ज़बरदस्त बारिश पड़ी है। सुबह मॉर्निंग के 5 बजे बारिश बंद हुई है, और देख सकते हैं फिर से मौसम बहुत ज़्यादा बेकार हो गया। अगर आप केदारनाथ यात्रा करने आ रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखना, बात क्या ध्यान रखनी है कि आप अपना प्लान 10 तारीख के बाद में बनाएं। जी हाँ दोस्तों, 10 तारीख के बाद में प्लान बनाएंगे वो सबसे बेस्ट है। और अगर आपका प्लान 5, 6, 7 के समथिंग में प्लान बनता है आपका, तो आप सोच समझ कर केदारनाथ यात्रा करें दोस्तों। अगर मौसम बिल्कुल बेकार है तो आप सोनप्रयाग में ही स्टे करें, अगर मौसम पूरी तरह से खुल जाता है जब ही आप सोनप्रयाग से आगे बढ़ें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो ट्रैक है बहुत ज़्यादा टेम्परेली ट्रैक बनाया गया है,
बारिश की वजह से वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ कर अपना ट्रैक करें दोस्तों। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सच में ट्रैक ऐसा खतरनाक वाला ट्रैक इस टाइम केदारनाथ यात्रा पर है दोस्तों, क्योंकि आधे ज़्यादा ट्रैक बारिश की वजह से बेकार हो गया था और वो टेम्परेरी ट्रैक बनाया गया है, लेकिन जैसे ही बारिश पड़ती है उस बारिश की वजह से जो ट्रैक है वो फिर से बेकार होने शुरू हो जाते हैं और ऊपर से मोटे मोटे पत्थर आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। कल भी ऐसे ही हुआ था, 3 सितंबर को बहुत मोटे मोटे पत्थर पहाड़ से नीचे आने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से केदारनाथ यात्रा 3 सितंबर को भी बंद करनी पड़ी थी। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हो तो आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े लेकर आएँ, क्योंकि ठंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा, रेनकोट छाता ज़रूर लेकर आएँ। ठंड के साथ साथ बारिश भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है केदारनाथ यात्रा में दोस्तों। बहुत से यात्री हमसे पूछते हैं कि हम अपना केदारनाथ का प्लान कब बनाएं। दोस्तों आप मेरी बात माने तो आप 10 तारीख के बाद में अपना केदारनाथ का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि 10 तारीख के बाद में मौसम बिल्कुल साफ दिखाया जा रहा है, बढ़िया दिखाया जा रहा है। लेकिन अब आज 4 सितंबर होगी, 4 सितंबर से लेके 8-9 तक भारी बारिश बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं बूंद भी आनी शुरू हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि मौसम पैक शुरू हो चुका है और जो मौसम है बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है और बूंद भी शुरू हो चुकी है आनी। ये देखिए पूरा का पूरा मौसम फिर से पैक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फिर से मौसम पैक हो चुका है। जो केदारनाथ का जो मौसम है दोस्तों, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मौसम कब खुल जाए, कब बिगड़ने शुरू हो जाए, कब बारिश हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और देख सकते हैं जो आप सामने फॉग देख रहे हैं उसके जस्ट पीछे हिमालयन है, जिस पर रात बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ी थी, लेकिन वो पूरा फॉग की वजह से छुप गया। जी हाँ दोस्तों, मौसम फिर से बेकार शुरू हो चुका है। देख सकते हैं जो आपका चोराबारी लेक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए गौर से ये चोराबारी लेक से जो देख रहे हैं, ये पानी की धारा आ रही है बहुत ज़बरदस्त वाली दोस्तों। अगर लगातार ऐसी बारिश पड़ती रही और कंटिन्यू बंद नहीं हुई तो केदारनाथ में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझ कर केदारनाथ यात्रा करें। जी हाँ दोस्तों, हम तो इस टाइम केदारनाथ पर ही हैं, लेकिन हमें भी डर लगता है दोस्तों, हम भी इंसान हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। रात इतने तगड़े तगड़े बादल आवाज़ कर रहे थे कि जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी दोस्तों, क्योंकि रात इतनी बारिश पड़ी थी, उस सुबह मॉर्निंग में ही 5 के समथिंग में बारिश बंद हुई है, लेकिन फिर से बारिश शुरू होने वाली है दोस्तों। और जो यात्री इस टाइम आ रहे हैं, रास्ते में हैं, वो अपना सोनप्रयाग में स्टे करें। अगर मौसम साफ़ है तो सोनप्रयाग से आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी 12 बजे तक, 12 बजे के बाद में आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा दोस्तों। चलो आपको पहले मंदिर के दर्शन कराते हैं और देखते हैं कितने लोग आए हुए हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं हम आ चुके हैं मंदिर परिसर में, देख सकते हैं मंदिर दर्शन करिए भोले बाबा के। और ये आपके भीमशिला देख सकते हैं, जैसे ही मौसम साफ होता है यात्री तुरंत आना शुरू हो जाते हैं। पैदल यात्री को तो पूरे कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर सर्विस से यात्री बहुत जल्दी आ जाते हैं, कि जितने भी यात्री हैं वो हेलीकॉप्टर सर्विस से हैं। और कुछ यात्री रात को आए थे पैदल यात्री, दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में, देख सकते हैं यात्रियों की आज अच्छी खासी भीड़ है दोस्तों। देख सकते हैं सामने ये मंदिर का परिसर है दोस्तों, और आपको यात्री की स्टैंड भारी भीड़ दे रही दोस्तों। जितनी भीड़ दिखाई देनी चाहिए थी उतनी भीड़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा जो यात्री हैं वो हेलीकॉप्टर से आए हुए दोस्तों। और कल 10 बजे के बाद में कुछ यात्रियों को पैदल रास्ते के तहत ऊपर के लिए भेजा जाएगा दोस्तों, तो वहाँ भी वो यात्री स्टैंड यहाँ पर है दोस्तों। लेकिन जितनी भीड़ होनी चाहिए थी उतनी भीड़ नहीं है, देख सकते हैं बाबा का दर्शन कीजिए दोस्तों। जितनी भीड़ रहती है दोस्तों उतना ही ज़्यादा मन लगता है। 2 दिन से केदारनाथ यात्रा बंद है और बिल्कुल यात्रा सुनसान पड़ी थी, कोई भी यात्री नहीं था, हमने आपको वीडियो दिखाया भी था और बिल्कुल मन ही नहीं लगता था। और देख सकते हैं आज यात्रा खुल चुकी है और यात्री भी इस टाइम आपको मंदिर पर दिख रहे हैं, तो कितना मन लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार साल में केदारनाथ यात्रा ढंग से नहीं चली दोस्तों, लगातार कभी बारिश पड़ रही है, कभी लैंडस्लाइड हो रही है, कभी बादल फट रहे हैं, कुछ ना कुछ समस्या लगातार आ रही है दोस्तों। देख सकते हैं ये सामने मार्केट है और ये आपके बाबा का मंदिर, कितना सुंदर दृश्य दोस्तों। सामने की जो पहाड़ी हैं वो शुरू में दिख रही हैं, क्योंकि इस टाइम चारों तरफ फॉग है दोस्तों लगातार, और यात्रियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है दोस्तों। आइए आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं यात्री आने शुरू हो चुके हैं और रौनक भी
बढ़ चुकी है केदारनाथ की। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं हम आपको मार्केट की तरफ लेकर चलते हैं। मार्केट में तो कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, केवल गिरी ही चुनी दुकानें खुली हुई हैं। जो हमने पहले दिखाया था केवल वही दुकान खुली हुई हैं केदारनाथ में। लेकिन जो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि यात्री आना शुरू हो चुके हैं और रौनक भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, केवल गिनी चुनी ही दुकानें ही खुल रही हैं, वो भी प्रसाद की, प्रसाद वाली दुकानें खुल रही हैं, बाकी सब दुकानें बंद है फिलहाल। सकते हैं हेलीकॉप्टर सर्विस कंटिन्यू जारी है दोस्तों, क्योंकि इस टाइम अभी तो मौसम सही है। देख सकते हैं आप हेलीकॉप्टर सर्विस जारी है दोस्तों, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, लगातार सर्विस जारी है। लेकिन जैसे ही मौसम बेकार होगा तुरंत हेलीकॉप्टर सर्विस बंद कर दी जाएगी। और देख सकते हैं दोस्तों, पानी का उफान भी बहुत तेज हो चुका है उस बारिश की वजह से। ये देख सकते हैं, ये आपके टेंट कॉलोनी है टोटल सब, और ये सामने आप देख रहे हैं बासुकीताल के लिए रास्ता जा रहा है। पूरा केदारनाथ इस टाइम आधे से ज़्यादा खाली है दोस्तों, क्योंकि केवल वो यात्री आ रहे हैं जो कल पैदल यात्री, केवल थोड़े बहुत यात्री छोड़े गए थे 500-600 यात्री, और हेलीकॉप्टर जो यात्री आ रहे हैं केवल वही यात्री आपको वहाँ पर नज़र आएंगे दोस्तों, बाकी सब केदारनाथ खाली है। ये ओम है देख सकते हैं, और एक नंबर नज़ारा, क्योंकि चारों तरफ फॉग ही फॉग है, मौसम बिगड़ना शुरू हो चुका है दोस्तों। देख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि कुछ देर में बारिश पड़नी शुरू हो जाएगी दोस्तों, बारिश पड़नी शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं मौसम पहले से बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है आज यहाँ दोस्तों, और बारिश शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं बारिश ज़बरदस्त शुरू हो चुकी है, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में और ज़्यादा बारिश शुरू हो जाए। ये देख सकते हैं, हम आपको कंटिन्यू जानकारी दे रहे हैं केदारनाथ यात्रा के बारे में दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे दोस्तों। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते जाएं। ये देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ में फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। दो दिन से केदारनाथ में लगातार बारिश थी, और आज हम सोच रहे थे कि आज बारिश नहीं पड़ेगी, लेकिन केदारनाथ में फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। कि जब ही तो कहते हैं दोस्तों, केदारनाथ में कोई भरोसा नहीं है कि कब मौसम खुल जाए, कब बारिश शुरू हो जाए। देखिए हो चुकी है शुरू दोस्तों, हर हर महादेव, बारिश शुरू हो चुकी है। केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं दोस्तों, अपना सोच समझ कर प्लान बनाएं, जल्दबाजी में प्लान बिल्कुल भी ना बनाएं दोस्तों। देख सकते हैं बारिश शुरू हो चुकी है। देखिए दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों, केदारनाथ में ज़बरदस्त बारिश शुरू हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है केदारनाथ यात्रा के बारे में, जो आज 4 सितंबर के पूरी बारे में दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर देख रहे हैं, और लाइक जरूर कर देख रहे हैं, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख रहे हैं दोस्तों। और जो इस टाइम मौसम हो रहा है दोस्तों, वो भी मौसम वाले ही इस टाइम ज़्यादा हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की बूंदाबांदी केदारनाथ में पड़ी थी दोस्तों। आप एक बार और दिखा देता हूँ, देखो ऊपर से केदारनाथ पूरी घाटी देख ली दोस्तों। यात्री आने शुरू हो चुके हैं, जो हेलीकॉप्टर सर्विस से आ रहे हैं इस टाइम सबसे ज़्यादा वही यात्री हैं। कुछ यात्री रात को आए थे पैदल यात्री, 10 बजे के बाद में यात्रियों को छोड़ दिया गया था, तो वही 500-600 यात्री रात आए थे दोस्तों। लेकिन अब कम बताया जा रहा है कम से कम 5,000-6,000 यात्री सोनप्रयाग से आगे के लिए छोड़ दिए गए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों। जब केदारनाथ पे यात्री आते हैं ना, तो रौनक जबी होती है और कुछ मन भी लगता है। लेकिन दो दिन से हम केदारनाथ में देख रहे हैं पूरा केदारनाथ खाली है दोस्तों, बिल्कुल खाली, सुनसान, कुछ नहीं है। लेकिन आज हमने यात्री देखे तो हमारा मन बहुत ही खुश हुआ दोस्तों। ऐसे ही आइए केदारनाथ बाबा के दर्शन कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो मौसम है, मौसम तो आता जाता रहता है, और जो पहाड़ी का जो मौसम इलाका होता है, आप सभी को पता है कि ऊपर से पत्थर आते जाते रहते हैं, लैंडस्लाइड होती रहती है, वो तो आम बात है दोस्तों। अगर आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर आपको कुछ सवाल हमसे पूछने हैं, हमने अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, वहाँ से आप जाके हम पे कॉल कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी हो, आपको होटल बुक करवाना हो, बस बुक करवानी हो, कुछ भी करवाना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक बार और नज़ारे दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं सामने चोरावारी लेक है दोस्तों, और ये नदी उफान पर है इस टाइम, और जो आप देख रहे हैं सामने नजर न्यारू है मोदी की गुफा। जी हाँ, मोदी जी की गुफा है, आप सभी को पता है जब मोदी जी यहाँ आए थे उस टाइम पर